Let's improve English. Hello everybody, welcome to Let's Improve English. देखिए, आज फिर से मैं आपके लिए कमाल का वीडियो लेसन लेकर आ गया हूँ। इसमें फिर से मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो हम बोलते रहते हैं, उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हम करेंगे इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है। मैंने अपना पुराना पियानो उसके हवाले कर दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कंसाइन माई ओल्ड पियानो टू हिम। एक्चुअली में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि कंसाइन का मतलब क्या होता है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, कंसाइन का मतलब होता है किसी को कुछ डिलीवर कर देना, कुछ सेंड कर देना। देखिए, टू गिव सेंड और डिलीवर समथिंग टू समवन, यानी किसी को कुछ भेज देना, कुछ दे देना, कुछ डिलीवर कर देना, किसी को कंसाइन करना कहलाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो कुछ सेंड करता है उसे कंसाइनर बोलते हैं, और जिसको वो चीज़ भेजी जाती है, जहाँ तक जिस तक डिस्पैच की जाती है, उसे कंसाइनी कहा जाता है। आई कंसाइंड माई ओल्ड पियानो टू हिम, इसका मतलब है मैंने अपना पुराना जो पियानो था ना, उसको मैंने कंसाइन कर दिया उसको। अब ये उसकी मर्जी है, उसकी हेडेक है, वो उसे सेल करेगा या क्या करेगा, या किसी भी कारण से बस मैंने डिस्पैच कर दिया है अपना ओल्ड पियानो, उस तक मैंने कंसाइन कर दिया है। देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए कंसाइन का, उस कंपनी में सामान पहुंचा दिया गया है, तो हम कहेंगे द गुड्स हैव बीन कंसाइंड टू दैट कंपनी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द गुड्स हैव बीन कंसाइंड, यानी उन्हें कंसाइन किया जा चुका है, यानी डिस्पैच किया जा चुका है, सेंड किया जा चुका है, डिलीवर किया जा चुका है, कहाँ पर, टू दैट कंपनी। और आपको पता ही होगा कि गुड्स का मतलब सामान होता है, जिसकी भी परचेजिंग या सेलिंग हो रही है, जो भी आप परचेज या सेल कर रहे हो उसे हम गुड्स कहते हैं। द गुड्स हैव बीन कंसाइंड टू दैट कंपनी, यानी गुड्स को उस कंपनी तक कंसाइन किया जा चुका है, भेजा जा चुका है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, जैसे कोई बात है उसका मतलब बहुत लोगों को समझ नहीं आता, तो हम कहेंगे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस। अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, डोंट अंडरस्टैंड समझते नहीं है व्हाट दिस मींस, इसका क्या मतलब है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस, उसमें क्या बुराई है। जैसे कभी कभी कोई प्लान आता है ना सामने, कोई आइडिया आता है कोई, उसमें हम कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है यार, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये चलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हम कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, यानी इसमें क्या बुराई है, इस चीज़ में क्या बुराई है, किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, यानी कि क्या रॉन्ग है उसमें, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। वो मेरी सलाह को कुछ नहीं समझते, मेरी सलाह को वो कुछ मानते नहीं, समझते नहीं। दे डोंट कंसिडर माई ओपिनियन एनीथिंग, कंसिडर का मतलब मानना या समझना होता है, माई ओपिनियन यानी कि मेरी सलाह, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं। दे डोंट, नेगेटिव है इसलिए डोंट आया, दे डोंट कंसिडर माई ओपिनियन एनीथिंग, यानी कि वो मेरे ओपिनियन को कुछ भी नहीं समझते, दे डोंट कंसिडर माई ओपिनियन। वो आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे कि कोई आइडिया है उसको प्रेजेंट किया गया था सामने और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो आप कह सकते हैं दैट आइडिया डिडंट प्लीज मी एट ऑल। प्लीज करने का मतलब होता है किसी को खुश कर देना, यानी कि उसको सेटिस्फाई करना, खुश करना। दैट आइडिया डिडंट प्लीज मी एट ऑल, यानी उस आइडिया ने मुझे बिल्कुल भी प्लीज नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया। दैट आइडिया डिडंट प्लीज मी एट ऑल। मैं उसे कैसे मनाऊंगा, जैसे कि कोई नाराज है, उसे मनाने की बात चल रही है, तो हम कहेंगे हाउ विल आई मैनेज टू परसुएड हर, मैं उसे कैसे मना लूंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा टू परसुएड हर, कि मैं उसे परसुएड कर सकूं, कैसे परसुएड करूंगा उसे मैं, यानी कि उसे मैं कैसे मनाऊंगा। वो सब जल्दी बोरिंग हो गया, जैसे कोई चीज़ थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही एक्साइटिंग थी कुछ देर तक, बाद में सब कुछ जल्दी बोरिंग हो गया, तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दैट क्विकली बिकेम बोरिंग। ऑल ऑफ दैट यानी जो भी कुछ था ना, वो सब चीज़ें क्विकली यानी जल्दी से बिकेम बोरिंग, बोरिंग हो गई, यानी सब कुछ जल्दी से बोरिंग हो गया, सब ऐसा ही हो गया। All of that quickly became boring. पहले तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। शरीर में ऐसे दर्द हो रहा है जैसे डंडों से पिटा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं, तो हम कहेंगे माई बॉडी इज हर्टिंग एज इफ आई हैव बीन बीटन विद स्टिक्स, ऐसा दर्द होता है जैसे कि डंडों से पिटाई हो रखी हो। माई बॉडी इज हर्टिंग यानी मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, एज इफ जैसे कि आई हैव बीन बीटन, कि मेरी पिटाई हुई है विद स्टिक्स, स्टिक से, डंडों से। मैं इतना खुश नहीं हूँ कि जितना लगता है, मैं इतना खुश नहीं हूँ जितना कि लगता है, इसे कहेंगे आई एम नॉट एज हैप्पी एज इट सीम्स। सीम का मतलब प्रतीत होना या लगना होता है। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर मैंने बताया था कि सीम को डिटेल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं बेवकूफ़ी से पेश आया, कभी कभी लगता है ना कि यार जो भी मैंने किया ना बहुत बेवकूफ़ी भरा था, वो मतलब मैं बेवकूफ़ी से पेश आया, तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कुछ शायद, तो कहेंगे आई एक्टेड वेरी स्टूपिडली। तो स्टूपिडली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, आई एक्टेड यानी मैंने एक्ट किया, वेरी स्टूपिडली बहुत स्टूपिडली मैंने एक्ट किया। उसकी शिकायतों पर कम ध्यान दो,
पे लेस अटेंशन टू हर कंप्लेंट्स। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लेंट है ये एक नाउन है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमने एस लगाया है उसमें, कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतें। और आप ध्यान रखना, अगर इसमें से टी को हटा दिया जाए तो ये कंप्लेंट बन जाएगा जो कि एक वर्ब होता है कंप्लेन, और कंप्लेंट एक नाउन होता है। यानी कि कम अटेंशन पे करो टू हर कंप्लेंट्स, यानी उसकी कंप्लेंट्स पर कम ध्यान दो, लेस अटेंशन पे करो। अपनी मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं ना ऐसे, मम्मी को कुछ कह देती है तो बुरा मान जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं डोंट बी ऑफेंडेड बाय योर मदर्स वर्ड्स। मदर्स वर्ड्स का मतलब होता है मम्मी की बातें। डोंट बी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड होने का मतलब होता है नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, चिढ़ जाना। यानी कि डोंट बी ऑफेंडेड यानी ऑफेंडेड मत हो जाओ बाय योर मदर्स वर्ड्स, यानी कि जो आपकी मम्मी ने आपको कहा है, आपकी माँ ने आपको कहा है, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। डोंट बी ऑफेंडेड बाय योर मदर्स वर्ड्स। उसकी किस्मत उसके साथ खेल रही है, ऐसे हम बोलते हैं हिज डेस्टिनी इज प्लेइंग विद हिम। टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, किस्मत खेल रही है, सब मेहनत का होता है, जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। लेकिन सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हम कहेंगे हिज डेस्टिनी इज प्लेइंग विद हिम। वो डर से कांप रहा है, कोई कोई इतना डरता है कि वो कांपने लग जाता है। ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बल करना मतलब कांपना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें आईएनजी आ गया। ही इज ट्रेम्बलिंग यानी वो ट्रेम्बल कर रहा है विद फियर यानी कि डर से। मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोकूंगा यानी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो करना है वो करो। आई वोंट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दिस। वोंट शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। आई वोंट प्रिवेंट यू यानी मैं तुम्हें प्रिवेंट नहीं करूंगा, प्रिवेंट मतलब स्टॉप करना, रोकना होता है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आई वोंट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दिस यानी मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोकूंगा। आई वोंट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दिस। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लिव फार फ्रॉम यू। आई डोंट वॉन्ट टू लिव फार फ्रॉम यू। किसी ने तेरी सलाह नहीं मांगी। कोई कोई फालतू में सलाह देता है उसे बोल देते हैं किसी ने तेरी सलाह नहीं मांगी। Nobody asked for your opinion. Nobody या no one एक ही मतलब होता है। No one asked for your opinion. ये सिंपल पास्ट है इसलिए इसकी सेकेंड फॉर्म है for your opinion. Opinion मतलब सलाह, मशवरा। No one asked for your opinion. तेरी ओपिनियन किसी ने नहीं मांगी। ये ज़रूर हवा से गिर गया होगा। कोई चीज़ है पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि शायद ना ये हवा से गिर गया होगा, ज़रूर हवा से गिर गया होगा यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम कहेंगे इट मस्ट हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द विंड। समथिंग मस्ट हैव डन का मतलब होता है कोई काम हो गया होगा, पास्ट में हो गया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा, तब हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। इट मस्ट हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द विंड यानी विंड की वजह से, हवा की वजह से ना शायद ही गिर गया होगा। इट मस्ट हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द विंड यानी हवा की वजह से गिर गया होगा। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई डिडंट पे मच अटेंशन टू इट। सो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, पे मच अटेंशन यानी कि ज़्यादा ध्यान देना। आई डिडंट सिंपल पास्ट इसलिए डिडंट। आई डिडंट पे मच अटेंशन टू इट यानी मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम उसे जानते भी हो? डू यू इवन नो हिम? डू यू इवन नो हिम? यहाँ पर आप इवन का यूज़ भी अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर विद हर। आई डोंट वॉन्ट टू गो, वॉन्ट टू की जगह पर आप वना भी बोल सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर यानी कहीं पर भी विद हर उसके साथ। I don't wanna go anywhere with her. यानी मैं उसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियो लेसन्स आप फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हैं तो लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।